Welcome back, students. We were reading the story, the address in which there was a girl who went to Marconi Street number 46 to meet a lady named Mrs. Dorling, whom her mother had given all her antique things to keep them with her when they were facing a war. So she went to her house, but this lady refused to recognize her. So she decided once again to go and meet her.

What did she replied? No, she said, my mother is doing an errand. No matter, I said, I'll wait for her. Errand का meaning होता है अच्छा काम. तो उसने क्या कहा? नहीं, मेरी माँ जो है एक अच्छा काम करने गई हैं. No matter, I said, I'll wait for her.

won't you sit down? asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past her. I stopped horrified. I was in a room I knew and did not know. अब उस लड़की ने जब उसने बैठने के लिए पूछा तो उसने क्या करा उसने दरवाजा खोला लिविंग रूम का और उसके अंदर चली गई I stopped horrified. अब वो क्या कह रही है कि मैं वहां पर रुकी और वो रूम क्या था I knew and did not know. मैं उस रूम को जानती भी थी और नहीं भी जानती थी I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. एटमोस्फेयर वो कह रही है मैं अपने आप को मैंने एक ऐसी जगह पर ऐसी चीजों के बीच में खड़ा पाया I didn't want to see again, जिन्हें मैं देखना चाहती थी but which oppressed me. लेकिन उनकी वजह से क्या हुआ मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई थी क्योंकि वहां का जो एटमोसफेयर था वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर आई डोंट नो आई सेट डाउन एंड स्टेयर एट द वुलन टेबल क्लॉथ आई रब्ड इट, माय फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग आई फॉलो द लाइंस ऑफ द पैटर्न समवेर ऑन द एज देर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन अब उन चीजों के लिए वो क्या कह रही है कि मैं वहां जाकर बैठी मुझे बहुत ज्यादा उदासी भरा माहौल लग रहा था कारण वो क्या कह रही है बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज क्योंकि हर चीज जो है वो बहुत बहुत बेतरतीबी से रखी हुई थी या फिर जो फर्नीचर था वो बहुत ज्यादा अगली था और वहां जो स्मेल आ रही थी वो बहुत मगी थी मगी स्मेल मीन्स आई यू बिफोर ऑल्सो की बासी चीजों की स्मेल वहां से आ रही थी आई डोंट नो बट आई इस केस डे टू लुक अराउंड मी वो कह रही है मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों था क्योंकि मैं जो हूं शायद ही वहां आसपास देखना चाहती थी द गर्ल मूव अ चेयर माई फिंगर्स ग्रू वॉर्म फ्रॉम गर्ल अ चेयर आई सैट डाउन चेयर एट द वुलन टेबल क्लॉथ अब वो कह रही है उस लड़की ने जो है चेयर खींची और मैं वहां पर बैठ गई जो टेबल क्लॉथ था वो वुलन था मैंने उसको हल्का सा रब किया मेरी फिंगर्स जो है उसको रब करने से वार्म हो गई थी मैंने क्या देखा उसका जो पैटर्न है मैंने उस पे हाथ लगाया जब उसको छुआ तो मुझे क्या एहसास हुआ कि इसके किसी किनारे पर एक जले हुए का निशान भी होना चाहिए जिसको कि रिपेयर नहीं किया गया था माय मदर विल बी बैक सून सेट द गर्ल आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर विल यू हैव अ कप थैंक यू आई लुकड अप द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल शी हैड अ ब्रॉड बैक जस्ट लाइक अ मदर शी पोर्ट टी फ्रॉम अ वाइट पॉट ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिट आई रिमेंबर्ड शी ओपन अ बॉक्स एंड टुक सम आउट अब उस लड़की ने क्या कहा कि मेरी माँ जल्द ही आएंगी मैंने चाय बना दी है वो जल्द ही वापस आएंगी विल यू हैव अ कप तो उसने थैंक यू कहा अब वो क्या कह रही है कि जो उस लड़की ने जो कप्स रेडी रखे थे टी टेबल पर मैंने क्या देखा कि शी पोट टी फ्रॉम अ वाइट पॉट उसने एक व्हाइट पॉट से जो है उसमें टी डाली उसमें क्या था सिर्फ एक गोल बॉर्डर था उसके लिट पर उसके ढक्कन पर आई रिमेम्बर्ड उसे याद आया शी ओपन अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून आउट दैट इज अ नाइस बॉक्स आई हर्ड माई ओन वॉइस इट वॉज अ स्ट्रेंज एज दो ईच साउंड डिफरेंट इन दिस रूम अब उसने वहां पर स्पूंस के लिए एक बॉक्स निकाला एक बॉक्स खोला तो उसने आगे से क्या जवाब दिया कि ये बॉक्स बहुत अच्छा है वो कह रही है कि मैंने खुद की आवाज सुनी मेरी आवाज जो थी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लग रही थी एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम ओह यू नो अबाउट देम शी है माई मदर एस इट इज एंटीक वी हैव गॉट लॉट्स मोर शी पॉइंटेड राउंड द रूम सी फॉर योर सेल्फ अब वो कह रही है कि क्या तुम इनके बारे में जानती हो बॉक्स जो उसे निकाला था उसके बारे में उसने क्या बोला क्या तुम इनके बारे में जानती हो वो वापस मिली और उसने क्या कर उसके लिए चाय लेकर आई और फिर वो हंसी कि मेरी माँ कहती है कि ये एंटीक चीजें हैं ये जो है ये पुरानी चीजें हैं वी हैव गॉट लॉट्स मोर हमारे पास ऐसी और भी हैं और उसने अपने रूम की तरफ इशारा किया जहां पर वो चीजें थी और उससे क्या कहा कि तुम खुद ही देख सकती हो आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट आई जस्ट लुक डट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैसी द एपल ऑन द प्यूटर प्लेट अब उसने क्या कहा मुझे जरूरत नहीं थी उसका, उसके हाथ का इशारा देखने की क्योंकि मुझे पता था वो किन चीजों के बारे में बात कर रही है मैंने सिर्फ क्या देखा कि टी टेबल पर जो चीजें पड़ी हुई थी मैंने उनकी तरफ देखा क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं क्या करती थी मैं हमेशा एप्पल को जो है जो वहां प्यूटर प्लेट पड़ी थी कांसे की जो थाली पड़ी थी उस पर मैं उसको सजा देती थी वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सेट वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट उसने क्या कहा था कि जिस चेयर पर, पर आकर बैठी थी उसके टेबल क्लॉथ पर कहीं किनारे पर जले का निशान होना चाहिए तो यहां वो यही कह रही है कि अचानक से उसे क्या हुआ टेबल क्लॉथ पर जो बर्न मार्क था वो उसे मिल गया The girl looked, looked questioningly at me. Yes, I said. You get so used to touching all these lovely things in the house. हाउस अब उसने क्या कहा कि हाँ तुम्हें आदत हो जाती है इन सब खूबसूरत चीजों को अपने घर में छूने की उनका एहसास उनको अपने पास देखने की You hardly look at them anymore मोर कि उनको तुम ज्यादा नहीं देखते हो या नहीं देखना चाहते हो यू ओनली नोटिस वेन समथिंग इज मिसिंग बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर और बिकॉज यू हैव लेंटेड फॉर एग्जाम्पल अब वो कह रही है कि तुम उनकी तरफ तुम्हारा ध्यान कब जाता है कि जब तुम जब वो चीजें कहीं खो जाती है कि या तो तुमने कहीं किसी को ठीक करने के लिए दे दी है या फिर किसी को वो लेंट कर दी है उधार दे दी हैं अगेन आई हर्ड द अन नेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन आई रिमेंबर माई मदर वंस आज मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर अब फिर वो क्या कह रही है कि मैंने फिर अपनी एक अनेचुरल सी आवाज़ सुनी और मैंने क्या कहा कि मुझे याद है कि मेरी माँ ने एक बार मुझसे क्या कहा था कि क्या तुम तो मुझे सिल्वर पॉलिश करने में हेल्प करोगी इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल अब वो क्या कह रही है कि ये बहुत पुरानी बात है और शायद मैं उस दिन घर में बहुत ज्यादा बोर हो रही थी या शायद जो है मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी एज शी हैड नेवर आज मै बिफोर आई आज हिथ सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज दैट इट वॉज द स्पून्स अब उसने अपनी मां से पूछा कि कौन सी चांदी तो उसने क्या कहा कि स्पूंस फोक्स एंड नाइव्स ऑफकोर्स एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग आई डोडेंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वो सिल्वर अब वो कह रही है कि मेरे लिए ये बहुत हैरानी वाली बात थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि, mm -hmm. कि कटलरी जो मेरे यहां है जो स्पूंस वगैरह मेरे घर में थी वो किसकी थी वो चांदी की थी द गर्ल लाव्ट अगेन आई बेट यू डोंट नो इट इज आयर आई लुक इंटेंटली एट हर वट वी ईट विदी आज अब उसने क्या कहा वो लड़की हंसने लगी जो उस घर में मिसेज जॉलिंग की बेटी थी तो इसने आगे से क्या जवाब दिया कि मैं शर्त लगा सकती हूं कि तुम्हें भी इसके बारे में नहीं पता था आई लुक इंटेंटली एट हर मीन मैंने उसकी तरफ डेलीबरेटली देखा इसी इरादे से देखा कि वो नामे ही सिर हिलाएगी वॉट वी ईट विट शी आज वेल डू यू नो शी हेजिटेटेड शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ आई लुक इट्स इन हर इट्स इन हेयर अब उसने क्या कहा क्या पूछा कि जिनसे हम खाते हैं तो उस लड़की ने क्या जवाब दिया आगे से कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता था तो आगे से शी हेजिटेटेड उसे थोड़ा संकोच हुआ उसके बाद क्या किया वो एक साइड बोर्ड के पास गई और उसने वहां ड्रॉर खोलना चाह कि आई लुक इट आई लुक इट इज इन हेयर आई जम्प्टअ अप आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम आई मस्ट कैच माई ट्रेन शी हेट हैंड ऑन द ड्रॉर Don't you want to wait for my mother? अब वो क्या कह रही है कि मैं वहाँ से एकदम से उठी कि मैं टाइम भूल रही हूँ, मुझे ट्रेन पकड़नी है, या पकड़नी चाहिए। She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? Now she is asking that girl that you have come to meet my mother. She hasn't come back yet. So won't you wait for her? No, I must go. I walk to the door. The girl pulled the drawer open. I can find my own way. एज ए वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पूस एंड फोक्स अब वो कह रही है कि मैं नीचे चली गई जो वो लड़की थी उसने ड्रॉर खोला और जब मैं नीचे जा रही थी जब उस पैसेज से मैं जा रही थी तो मैंने क्या सुना वहां पर मैंने स्पूं की जो है जिंगलिंग सुनी मीन्स अगर बहुत सारी स्पून इकट्ठी पड़ी हुई है तो उनमें अगर आपस में टकराती हैं तो आवाजें आती हैं तो उसने वही कहा कि मैंने वो आवाजें सुनी जो स्पूंस और फोक्स की थी एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट इट्स सेड बीन एट नंबर फोर्टी सिक्स द एड्रेस वॉज करेक्ट जब वो चल रही है तो वो कॉर्नर में देख रही है रोड के और क्या देखा उसने नेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट

और फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू पुराने कुछ समय पहले या पुराने समय में वो आपके साथ जुड़ी हुई थी आपकी यादों के साथ जुड़ी हुई थी आपके लिए उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी लेकिन वो अपनी वैल्यू कब खो देती हैं जब उनको सिवेट किया जाता है जब उनको अप्रूव किया जाता है या वहां से आपके पास से उनको हटा दिया जाता है यू सी दम अगेन इन स्ट्रेन एंड शुड आई हैव डन विद इन अ स्मॉल रेंटेड रूम शेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल रोर अब वो कह रही है कि मैंने वैसे भी उन चीजों को क्या करना था जो कि एक स्मॉल छोटे से किराए के कमरे में था जहां पर क्या है जो शेड्स है आउट पेपर के वहां पर कुछ टुकड़े थे ब्लैकआउट पेपर के जो कि अभी भी विंडोज पर लटके हुए थे एंड नो मोर देन हैंडफुल ऑफ कटलरी और वहां पर थोड़ी सी सिर्फ कटलरी बची थी जो कि एक नैरो टेबल ड्रॉर पर फिट की हुई थी तो वो कह रही है कि मुझे इन चीजों को वापस ले जाकर और क्या करना था इसलिए मेरे, मेरे लिए बेहतर क्या था कि मैं इस एड्रेस को पूरी तरह से भूल जाऊं I resolved to forget the address of all the things I had to forget. That would be the easiest. अब उसने क्या कहा वो कह रही है I decided to forget the address of all the things. हर चीजों का एड्रेस मैं भूलना चाहती थी मैंने decide किया कि मैं हर चीज का एड्रेस भूल जाऊंगी I had to forget. That would be the easiest. ये सबसे ज़्यादा आसान रहेगा कि मैं उन सब चीजों को भूल जाऊं. So this was a story of a girl who came back to a lady whom her mother had given all her things to keep with her when they were when they were facing award. Thank you and have a nice day.